हेलो स्टूडेंट्स, गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ यूनिट टू काकू एंड लाल हवा में एक्सरसाइज बी है, जिसका क्वेश्चन आंसर है ये, नो वन न्यू काकूज लिटिल बिग सीक्रेट ऑन द वे टू स्कूल। जो रेड कलर में लाइनें हैं वो स्टोरी से लिए गए हैं। इसमें लिखा है कि स्कूल जाते वक्त काकू के बारे में जो राज की बात थी वो कोई नहीं जानता था। व्हाट वॉज काकू सीक्रेट, काकू का राज की बात क्या थी। हु डिड नॉट नो अबाउट दिस, इसके बारे में कौन नहीं जानता था। काकूज लिटिल बिग सीक्रेट वॉज दैट ही हैड मेड अ न्यू फ्रेंड नेम लाल हवा एंड एवरी डे ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। उसके लिए बिग सीक्रेट ये था कि उसने स्कूल जाते वक्त लाल हवा नाम का एक दोस्त बनाया था। हर रोज़ वो अपने दोस्त से मिलने जाता था। लिटिल बिग सीक्रेट इसलिए है कि ये छोटी सी राज की बात थी, लेकिन काकू के लिए बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा था। बच्चे के लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। वो उस दोस्त से मिलने जाता था हर रोज़, और हर रोज़ उसका इंतज़ार करता था। दूसरों के लिए ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये लिटिल बिग सीक्रेट लिखा हुआ है। नो वन इन द काकूज विलेज न्यू अबाउट हिज सीक्रेट फ्रेंड, कोई नहीं जानता था उसके गांव में अपने इस सीक्रेट फ्रेंड के बारे में। काकू लव्ड मीटिंग लाल हवा एवरी डे, हर रोज़ उसको मिलना बहुत पसंद था लाल हवा से। व्हाट डिड काकू लव द मोस्ट अबाउट लाल हवा, लाल हवा के बारे में काकू को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। आंसर है काकू लव्ड लाल हवाज ब्यूटीफुल रेड पेंट। काकू को उसके लाल रंग का पेंट बहुत पसंद था लाल हवा का, इसकी तेज़ चलती हुई पहिए, इट्स फास्ट मूविंग व्हील्स एंड इट्स छुक छुक साउंड, और इसके छुक छुक की आवाज़। काकू वाज सैड, काकू उदास था। वाई वाज काकू सैड, काकू क्यों उदास था। आंसर है काकू वाज सैड बिकॉज ही वॉन्टेड हिज रियर लाल हवा टू स्टॉप एट हिज विलेज, बट हिज टीचर सेड दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल। काकू चाहता था कि उसके गाँव में लाल हवा रुके, वो जो ट्रेन थी, लेकिन उसके टीचर ने कहा यह संभव नहीं है, इसलिए वो उदास था। नंबर फोर क्वेश्चन है कि हाउ कुड काकू कुड नॉट बिलीव इट, काकू ये विश्वास नहीं कर सकता था। व्हाट कुड काकू नॉट बिलीव, व्हाई, काकू क्या विश्वास नहीं कर सकता था, क्यों। काकू कुड नॉट बिलीव दैट हिज फ्रेंड लाल हवा वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, काकू ये विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका दोस्त लाल हवा ठीक उसके सामने खड़ा है। और दिस वॉज बिकॉज ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसा होने की। नंबर फाइव में लाल हवा वॉज फ्लाइंग एंड सो वॉज काकू, लाल हवा उड़ रही थी और काकू भी उड़ रहा था। व्हाट वॉज फ्लाइंग मीन हियर, यहाँ फ्लाइंग से क्या मतलब है। तो लाल हवा वॉज मूविंग वेरी फास्ट विद काकू इन इट, लाल हवा बहुत तेज़ चल रही थी, काकू उसमें बैठा हुआ था, यही फ्लाइंग का मतलब है। नंबर सिक्स है शी हैड टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। व्हाई डू यू थिंक काकूज मदर हैड टीयर्स इन हर आइज, तुमको क्यों लगता है काकू के माँ की आंखों में आंसू क्यों थे। तो काकूज मदर हैड टीयर्स इन हर आइज बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी दैट हर सन्स विश फाइनली केम ट्रू, काकू की माँ की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो खुश थी, बहुत खुश थी कि आखिरकार उसकी बेटी की इच्छा पूरी हुई थी, उसका सपना पूरा हुआ था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से उतार लेंगे। ओके।